सब जगह जाएंगे, डोरे धागे करवाएंगे, पीर फकीरों के वहां जाएंगे, मुल्ले मौलवियों के वहां जाएंगे, सब जगह जाएंगे, आराम से ले लेंगे, प्रसादी भी खा लेंगे, मान्यता भी कर लेंगे। शिरडी के साईं बाबा को बहुत लोग मानते हो, जिनके इतिहास को 100 साल अभी पूरे हुए, ईस्वी सन 2018 में, ईस्वी सन 1918 में इन्होंने शिरडी में समाधि ली थी, ऐसा कहा जाता है। 100 साल इनकी समाधि को पूरे हुए। कई लोग इनको भगवान मानते हैं, कई लोग इनको चमत्कारिक देव मानते हैं, कई लोग इनको महापुरुष मानते हैं, वहां जाते हैं और मत्था टेकते हैं। जरा सुनिए ये कौन थे। मेरा दावा है, हिंदू हो या जैन हो, जो इनको मानते हैं, उन 100 में से 99 लोगों को भी ये पता नहीं है कि ये कौन थे। 99 लोगों को भी ये पता नहीं है कि ये कौन थे, कौन है, इन्हें क्यों लाया गया, ये 99 को पता नहीं। बेवकूफी की पराकाष्ठा देखो, जब पता नहीं और मानते हैं, पता नहीं और स्वीकार करते हैं, पता नहीं और पूछते हैं। बहरुद्दीन पिंडारी नाम का एक व्यक्ति था, ये अफगान से यहां आया था, ये पिंडारी जाति का था। ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब औरंगजेब का खात्मा हो चुका था और मुगल साम्राज्य समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा था। धीरे धीरे मराठाओं ने अपना वर्चस्व जमा लिया था और वे हिंदू साम्राज्य की स्थापना के लिए बहुत मजबूती के साथ में आगे बढ़ चले थे। भारत के अंदर, भारतवर्ष के अंदर, अखंड हिंदुस्तान में जोरदार हिंदुत्व साम्राज्य का, हिंदू साम्राज्य का विस्तार होने जा रहा था। ये मैं तब की बात करता हूं। ये पिंडारी लोग लुटेरे हुआ करते थे। ये पूरी अफगान की जाति लूटने फाटने के लिए यहां पर आई थी। मुगलों के काल के अंदर इसने अच्छी खासी मात्रा में जगह जगह लूटपाट की थी। हिंदुओं को टारगेट बनाना, उन्हें लूटना, उनके पैसों को छीनना, उनकी बहन बेटियों को छेड़ना और पसंद आ जाए तो उनकी बहन बेटियों को उठा लेना, ऐसे इनके कर्तव्य हुआ करते थे। 1838 में इस बहरुद्दीन का माफ कीजिएगा 1838 में इस बहरुद्दीन का जन्म हुआ और यह आगे बढ़ा। उसके बाद में एक फिल्म आई, वो हिंदी फिल्म थी। उस फिल्म को जगह जगह पर दिखाया गया षड्यंत्र के आधार पर। फिल्म में यह बताया गया, औरंगजेब के मरने के बाद पहली बार जब बोलने वाली फिल्में आई, पहली बार जब फिल्म आगे बढ़ी, वो ब्लैक एंड व्हाइट मूवी, जब फिल्मों का जमाना आया तब यह बताया गया कि यह बहरुद्दीन पिंडारी तो बहुत अच्छा आदमी और ये पिंडारी जाति के लोग तो देशभक्त हैं, देशद्रोही नहीं, ऐसा बताया गया। बावजूद इसके इस बहरुद्दीन ने जगह जगह डकैतियां करना, लूटना फाटना जारी रखा, बड़ी मात्रा में लोगों को तहस नहस करता रहा। इसने अपनी जिंदगी में कई सारी हिंदू महिलाओं के, कन्याओं के बलात्कार किए, कितना ही सारा नुकसान पहुंचाया। अंततः जब धीरे धीरे मराठा साम्राज्यों के सामने, उधर झांसी की रानी, झांसी के अंदर लक्ष्मीबाई लोहा ले रही थी, उस वक्त अंग्रेजों का आगमन हुआ। अंग्रेजों को यह बहरुद्दीन बहुत नागवार गुजरा। इन्होंने जैसे तैसे करके इस बहरुद्दीन को भगाने के लिए, पकड़ने के लिए खूब कोशिशें की। ये बहरुद्दीन बेस बदल करके भागता हुआ अहमदनगर आया, जिसे नगर कहा जाता है, महाराष्ट्र का बहुत बड़ा एक शहर है, अहमदनगर आया। और सुनिए, इतिहास ये कहता है कि यह बहरुद्दीन पिंडारी अहमदनगर के अंदर एक वेश्या के घर रहा। उस वेश्या को अपना बना करके उसने वहीं पर अपना आसियाना बना लिया वेश्या के साथ। आगे जाकर उसने शादी की या नहीं की, इसका कोई सबूत नहीं। वेश्या के साथ रहते रहते 2 संतानों का जन्म हुआ। एक था लड़का जिसका नाम रखा गया चांद मिया। बहरुद्दीन ने अपने बेटे का नाम रखा चांद मिया। थोड़ा बड़ा हो जाने के बाद में बिना पढ़ाए लिखाए इस चांद मिया को अपनी डकैतियों में जासूसी के तौर पर बहरुद्दीन पिंडारी ने उपयोग करना प्रारंभ किया। जगह जगह ये चांद मिया छोटा सा बालक एक चद्दर लेकर के भिखारी के तौर पर फटे पुराने कपड़े पहन करके अलग अलग जगह पर बैठता, बाजारों में बैठता, आए गए माल की वगैरह बातमियां लेता, किसके घर में क्या आ रहा है जा रहा है ऐसी कोशिश करता, और समय समय पर कभी दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में अपने पिताजी को, बहरुद्दीन को, यह समाचार पहुंचाता कि आज इस घर में इतना माल आ रहा है या यहां इतना सामान आया है। और इस प्रकार डकैतियों का मामला आगे बढ़ता कि यहां कोई सुरक्षा के प्रबंध नहीं होते हैं, कोई पहरेदार नहीं होते हैं, ये चीज चलती रहती। अंततः परेशान होकर शंकाओं के आधार पर अंग्रेजों ने बहरुद्दीन को तो भगाया, आगे जाकर वो अफगान चला गया, उसकी मौत भी हो गई। चांद मियां उसका बेटा छिप छिप करके रहने लगा, बड़ा होता गया। एक दिन अंग्रेजों ने उसे पकड़ा, जेल की सलाखों के पीछे डाला। 8 साल तक ये चांद मियां
जेल में रहा, अंततः यह छूटा। मराठा ताकत के साथ में अंग्रेजों का मुकाबला कर रहे थे। झांसी की रानी भी किसी भी हालत में अंग्रेजों को घुसने नहीं दे रही थी। अंग्रेजों को लोकल गुंडे चाहिए थे इन लोगों के सामने लड़ने और इनको परेशान करने के लिए। चांद मियां ने पैसे लेकर के झांसी की रानी के खिलाफ में अंग्रेजों के पक्ष में गुंडों को इकट्ठा करने और लड़वाने और मगजमारी करने के लिए तैयारी दिखाई। अंग्रेजों ने अच्छे खासे मोटे पैसे चांद मियां को दिए। ये चांद मियां महाराष्ट्र से थे झांसी गया। अंततः अंग्रेजों के हाथों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को मरवाने में इस चांद मियां की भी भूमिका रही। उसके मरने के बाद इन अंग्रेजों ने उस चांद मियां को नवाजा। कालांतर के अंदर एक नया नुस्खा अपनाने के लिए वो चांद मियां झांसी से आकर के शिरडी पहुंचा। वहां सुलेमानी मुसलमानों के साथ में उसकी पहचान हुई। मूल अफगानी पिंडारी जाति का ये चांद मियां बहरुद्दीन का बेटा वहां जाने के बाद में सुलेमानों के साथ में परिचय में आकर के सुलेमानों के लिए काम करने लगा। मुसलमानों की ये सुलेमानी जाति षड्यंत्र पूर्वक हिंदुओं और मुसलमानों के बीच के भेद मिटाने और धीरे धीरे इस्लाम का भीतर से प्रसार प्रचार करने का कामकाज संभालती थी। ये स्लो पॉइजन देकर के धीरे धीरे लोगों को मुसलमान बनने के लिए अलग अलग तौर तरीकों से कब्रों पर ले जाने या फिर अलग अलग दरगाहों पर ले जाने, उन्हें बदलने, उन्हें चमत्कार दिखाने के तौर पर परिवर्तित करने का काम करती थी। उनको ये चांद मियां मिल गया। वहां इसके लिए एक मस्जिद बनाई गई। मस्जिद का नाम हिंदू रखा गया, इस्लाम की मस्जिद नहीं रखी गई। लोगों को भ्रमित करने के लिए मस्जिद का नाम इस्लाम नहीं रखा गया, मस्जिद का नाम हिंदू के तौर पर रखा गया। इस इंसान ने अपनी जिंदगी में कभी कुछ काम किया हो, कोई साधना की हो, कोई धर्म चलाया हो, कोई धर्म ग्रंथ लिखा हो, कोई बहुत बड़ा व्यापक काम किया हो, ऐसा एक भी उल्लेख आज तक भारतीय इतिहास में नहीं है। सुनिएगा, यही चांद मियां सुलेमानों के परिचय में रहने के बाद धर्म परिवर्तन करवाने, चमत्कारों के आधार पर लोगों को भरमाने के लिए साई बाबा बनाए गए। इसी चांद मियां का नाम आगे हुआ साई। किसने नाम दिया? सुलेमानों ने। उसके लिए एक मस्जिद बनाई गई। बाद में वो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए फरिश्ते के तौर पर प्रस्तुत किया गया। देखिए आप एक मजे की बात, ईस्वी सन 1918 में इसने समाधि ली। उसके पहले फिल्में जब आती थी तब हिंदुओं और मुसलमानों के बीच का बहुत बड़ा भेद था। बहुत भेद, हिंदू मुसलमानों को पसंद नहीं करते थे भारत में और मुसलमान हिंदुओं को पसंद नहीं करते थे। मुसलमानों को ईश्वर के नाम से बहुत एलर्जी थी, हिंदुओं को अल्लाह के नाम से बहुत एलर्जी थी। अगर आप थोड़े बहुत भी अपने प्राचीन काल में जाएं, मेरे जमाने के आसपास पहुंचें, ईस्वी सन 60 और 70 के दशक में पहुंचे, ईस्वी सन 1960-1970 और तब के जमाने में जितनी फिल्में आई तो फिल्मों में कहीं ना कहीं अल्लाह लाने पड़ते थे या फिर ईश्वर लाने पड़ते थे। बिना उनके काम चलता नहीं था। इन फिल्मों के आधार पर ही फिल्में हिट होती थी, फिल्में चलती थी। उस समय मात्र लटके मटके लेना, कमर को नचाना, ठुमके लेना और उससे फिल्म चल जाएगी, ऐसा होता नहीं था। उस जमाने का जमाना ऐसा था नहीं कि आज की हीरोइनें चल जाएं, थोड़े बहुत लटके मटके लें और फिल्म रातों रात कम कपड़ों के आधार पर फेमस हो जाएं, ऐसा था नहीं। उस जमाने का कल्चर ऐसा था कि कहीं ना कहीं रिलीजियन धर्म बीच में लाना पड़े। अल्लाह लाओ तो हिंदू नहीं देखेंगे, ईश्वर लाओ तो मुसलमान ऐतराज करेंगे। और देखो मजे की बात, अधिकांश प्रोड्यूसर मुसलमान थे, अधिकांश पाकिस्तान से, सिंध से, पंजाब से और कश्मीर से आए हुए हीरो और हीरोइन ये भी मुसलमान थे। लेकिन नौबत ये थी कि ये मुसलमान हिंदुस्तान के बाजार में अपने असली नाम से चल नहीं सकते और इसीलिए दिलीप कुमार मुसलमान, उसको अपना नाम बदलना पड़ा। मीना कुमारी मुसलमान, उसको अपना नाम बदलना पड़ा। सुरैया देवानंद से शादी करना चाहती थी लेकिन मुसलमान होने के नाते स्वीकार नहीं किया गया। पिता ने अनुमति नहीं दी कि हिंदू के साथ शादी नहीं हो सकती, उसे भी अपने नाम बदलने पड़े। 15-20 से अधिक ऐसे हीरो हीरोइन है 1960, 1970 और 1980 के दशक के, 1960, 1970 और 1980 के दशक के जिन मुसलमानों को मार्केट में चलने के लिए, स्ट्रेटजी बनाने के लिए अपने नाम बदलने पड़े, वो मुसलमान थे, उनको हिंदू दिखावा करना पड़ा। इधर देखो, जावेद अख्तर हो, सलीम खान हो, नौसाद हो और महमूद खान हो, ये सभी ऐसे प्रोड्यूसर थे
जो जन्म से मुसलमान थे, इरादे से मुसलमान थे, हैं भी, इसके सिवाय अन्य अन्य आए और इन लोगों को अपनी फिल्में चलानी थी। इन लोगों ने एक तौर तरीका चलाया कि मुसलमान होने के नाते हिंदुत्व का समर्थन कर नहीं सकते और हिंदू देवी देवताओं को अपने को भ्रष्ट बताना है, क्योंकि आप पुरानी फिल्में देखिए और आज की फिल्में देखिए, किसी भी अल्लाह को कभी गाली नहीं दी जाती, किसी मस्जिद के ऊपर सवाल नहीं किए जाते, कभी कुरान के बारे में कुछ बोला नहीं जाता, लेकिन हिंदू देवी देवताओं की फिल्मों में मजाक होगी। किसी भी हिंदू देवी देवता को मानने वाले पंडित पुजारी को भ्रष्टाचारी, नालायक, रैप करने वाला बताया जाएगा, लेकिन किसी पादरी को, किसी भी मौलवी को रैप करने वाला या भ्रष्ट काम करने वाला नहीं बताया जाएगा। ये सब योजनाएं थी, वो मुसलमान प्रोड्यूसरों ने आगे बढ़ाई, बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने वहां बढ़ाई कि उन्होंने देखा कि किसको लाया जाए। तब उन लोगों को साईं बाबा को लाना ठीक लगा कि ये है तो मुसलमान लेकिन हिंदुओं के बीच में खप जाएगा, है मुसलमान हिंदुओं के बीच में बिक भी जाएगा, है मुसलमान हिंदू मुस्लिम के बीच में अपना रास्ता अच्छा सा तय करवा देगा। तो पहली आई 1977 में फिल्म अमर अकबर एंथोनी। ऋषि कपूर ने उसमें इस साईं बाबा के नाम पर एक लाजवाब गीत गाया, हाथों हाथ वो बिका, फिल्म बहुत चली। देखो आप, फिल्म हिट हुई, बाबा भी हिट हो गए, फिल्म हिट हुई, बाबा भी हिट हो गए। मुझे ये बताओ, साईं बाबा का कौन सा धर्म ग्रंथ है? उन्होंने अपनी जिंदगी में, ये चांद मियां ने जो 8 साल तक जेल रहे, पिताजी के लिए जासूसी का काम किया, अंग्रेजों के हाथों बिके, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को मरवाने में जिसकी भूमिका रही, मराठाओं को बदनाम करने के लिए उसने बहुत काम किया, मराठाओं के स्वाभिमान को तोड़ने के लिए उसने बहुत काम किए, बहुत काम किए, क्योंकि मराठा एकदम पक्के कट्टर हिंदुत्ववादी, उन्होंने ये मंजूर नहीं था, तो उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने के लिए उसने बहुत काम किए। और उस आदमी को रातों रात साईं बाबा बना दिया गया, महिमा मंडित कर दिया गया। कैसी जोरदार ये सेल्स पॉलिसी थी, हाथों हाथ बाजार में बिके। कैसे बिके? कि जब पहली बार 1918 में इन्होंने समाधि ली, तो 1918, 1919, 1920, 1921, 1922 का ऑडिट देखिए, तो इनके शिरडी के साईं बाबा मंदिर का ऑडिट का आमदनी का स्रोत है 1800 रुपए, 2000 रुपए, 2500 रुपए, आखिर में है 3200 रुपए। 1918 से 1925 के बीच में 3200 रुपए की आमदनी वाले ये बाबा क्या हीट हुए, और पागलों की तरह हिंदुओं ने और जैनों ने कितना उनको हीट किया, कितने वो वहां गए, कितने मत्थे टेके और कितना पैसा बर्बाद किया, कि आज शिरडी के साईं बाबा के मंदिर की वार्षिक आमदनी है 371 करोड़। वहां मुसलमान जाने वाले 5% भी नहीं, वहां जाने वाले मुसलमान 5% भी नहीं, और जाने वाले हिंदू और जैन 95%, पैसे खर्च करने वाले अधिकांश 95%। मुझे बताइए, हिंदू धर्म के कौन से ग्रंथ में इनके बारे में क्या लिखा है? उपनिषदों में, वेदों में, महाभारत में, रामायण में, उसके बाद के किसी साहित्य में, कि कभी शिरडी के साईं बाबा होंगे या हुए हैं, क्या वो फरिश्ते हैं, वो कोई अवतारी हैं, वो कोई हिंदू देवी देवता हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने, उनको बहलाने फुसलाने के लिए काम किया गया और ये सफल हो गया, सफल हो गया, हाथों हाथ ये बिक गए। आज तो देखिए, आज हिंदुस्तान के अधिकांश हिंदू मंदिरों में हिंदुओं के देवी देवता छोटे हो गए हैं, साईं बाबा बड़े हो गए हैं। हिंदुओं के देवी देवता साइड में हो गए हैं, साईं बाबा प्रमुख हो गए हैं। हिंदुओं के देवी देवता कम कमाऊ हो गए हैं, साईं बाबा अधिक कमाऊ हो गए हैं। जिसको भी अपनी दुकानदारी चलानी हो और भगवानों के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर पैसा कमाना हो, साईं बाबा की मूर्ति ला दो, आप भी प्रयोग कर सकते हो। दुकान बराबर नहीं चलती हो तो दुकान के बाहर बिठा दो, धनाधन उसका गल्ला अच्छा चलेगा, आपकी दुकान के गल्ले से भी अच्छा। बस ऐसी बात हो गई। चमत्कारों के तौर पर मुझे बताइए कि उन्होंने क्या किया, उनसे क्या हुआ? बताइए कि शिरडी जाने वाले सभी लोग अमीर हुए, सभी की गरीबी दूर हो गई, सब लखपति करोड़पति हुए, अरबपति हुए, क्या सभी के दुख दूर हो गए? जो जो वहां गए और हर साल जाते हैं, क्या वे बीमार नहीं पड़ते? क्या उनके घर में बाल बच्चे बराबर पैदा होते हैं, वे वांछिए नहीं रहते? क्या उनके वहां पर किसी का एक्सीडेंट नहीं होता, दुर्घटना नहीं होती? क्या शिरडी जाते हैं और मानते हैं उनके सब ख्वाब पूरे होते हैं? बताइए मुझे। और दूसरी बात, एक जैन परंपरा में जन्म लेकर, अरिहंत को मानकर, सुदेव सुगुरु सुधर्म के आधार पर चलकर, आपको कौन सा दुख हुआ, कौन सी भीख मांगनी पड़ी, कौन सी तकलीफें हुई? अरे मजारों पर जाकर अगर बीमारियां दूर हो सकती थी, कब्रिस्तानों पर जाकर अगर बीमारियों से हम मुक्त हो सकते थे,
या शिरडी के साईं बाबा के वहां पर मत्था टेक करके हम अपने रोगों से मुक्त हो सकते थे, तो फिर बड़े बड़े अस्पतालों के निर्माण की आवश्यकता क्या थी? बीमारियां जब मजारों पर और शिरडी के साईं बाबा के वहीं पर दूर हो जाएगी तो फिर अस्पतालों की जरूरत क्या है? कितनी बड़ी मात्रा में हिंदुओं का शोषण हो रहा है देखना आप। आने वाले कुछ समय के बाद हिंदू धर्म दो भागों में बट रहा है। आज मैं उद्घोषणा कर रहा हूं, ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी है, इन दोनों के बीच में गहरा संघर्ष चलेगा और इन दोनों के बंटवारे में, इन दोनों की लड़ाइयों में दूसरे धर्म के लोग हावी हो जाएंगे। वे अपना रास्ता तय कर लेंगे और इस प्रकार उनका षड्यंत्र सफल हो जाएगा। आगे जाकर के अब दो प्रकार के हिंदू आपको देखने को मिलेंगे। हिंदू धर्म दो भागों में बटेगा, एक साई भक्त हिंदू, दूसरे सनातनी हिंदू। दो प्रकार के हिंदू आपको देखने को मिलेंगे, एक वे जो साईं बाबा को मानते हैं, दूसरे वे जो साईं बाबा को नहीं मानते हैं। कई सारे हिंदू पंडे पुजारी हैं, कई सारे हिंदू संत महात्मा हैं, उनको भी अक्ल नहीं है, वे भी शिरडी के साईं बाबा के वहां पर जाते हैं और उनको मानते हैं और उनके मंदिर बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। उनको पता नहीं कि राम का इतिहास है, कृष्ण का इतिहास है, बजरंग बली का इतिहास है, महाभारत का इतिहास है, रामायण का इतिहास है, देवी देवताओं का इतिहास है। इनका कोई इतिहास नहीं, ये हिंदू नहीं, ये साधक नहीं। जैन साधु साध्वी भी शिरडी जाते हैं तो यदा कदा दर्शन करने के लिए वहां चले जाते हैं और कर्म फोड़ के चले आते हैं। कितने बेशर्म होते हैं ऐसे जैन साधु साध्वी, क्यों उन्होंने पंच महाव्रत लिए हैं, क्यों उन्होंने सफेद कपड़े पहने हैं। मैंने कितने ही अलग अलग अपने संप्रदायों के जैन साधु साध्वियों को यात्रा के दौरान शिरडी जाते हुए देखा। वहां जैन मंदिर भी है, उपाश्रय भी है, स्थानक भी है, और उसके बाद में कभी न कभी वहां के श्रावकों को कहकर या अपने चेले चपाटियों को साथ में लेकर वे शिरडी के साईं बाबा के मंदिर में दरबार में चले जाते हैं। जिस इंसान ने बलात्कार किए हों, डकैतियां की हों, चीना झपटी की हों, जिसने झांसी की रानी को मरवाया हो, जिसने हिंदुत्व का नाश किया हो, जिसका ऐसा कामकाज रहा हो, उसको रातों रात फरिश्ता बनाया गया हो और उसे हम पूजे, ये कौन से देवी देवता हुए, ये कौन सा चमत्कार हुआ, ये क्या क्या साधना के उच्चतम बिंदु हुए, बताइए आदर्श कहां है, नैतिकता कहां है, योग्यता कहां है। बहुत सारे लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाते हैं,